वालेकुम, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कैलाश सिंधी और आज हमारा टॉपिक है कैरियर इन द बायोलॉजी इलम हयात के मौके यानी कैरियर्स। अच्छा, बायोलॉजी के जो भी शागिर्द तलबा हैं वो जब अब हायर सेकेंडरी एजुकेशन में स्टडी कर रहे हैं, जब वो हायर में आएंगे उसके बाद एफ एस सी लेवल पे, और उनके बाद बायोलॉजी के तलबा जो किसी न किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो वो कौन से प्रोफेशन हैं जिनमें वो अपना किरदार अदा करेंगे? वो ये हैं जैसे कि मेडिसिन एंड सर्जरी है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फिशरीज है, और भी डिफरेंट कैरियर्स हैं, उनमें जाकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कैरियर मीन्स कोई ना कोई प्रोफेशन धंधा। मेडिसिन एंड सर्जरी दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। जब हम बात करेंगे मेडिसिन की, तो मेडिसिन यानी कि किस मेडिसिन में हम किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस यानी कि उनकी जो जांच पड़ताल करते हैं, और उनके बाद उनका क्यूर एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, उनसे बचाव के लिए हम एचएस करते हैं। ओके, सो क्यूर कहते हैं। अगर कोई भी डॉक्टर है, फिजिशियन है, उनके पास कोई भी पेशेंट जाता है, तो सबसे पहले वो उसकी डायग्नोसिस करेगा भाई इनको कौन सी बीमारी है, कौन सी डिजीज है, और उनके बाद उनका ये वो ट्रीटमेंट करेगा। ओके, वो आता है हमारे मेडिसिन में। बट सर्जरी हर डॉक्टर नहीं कर सकता। सर्जरी सिर्फ वो डॉक्टर कर सकता है जो किसी न किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, यानी कि सर्जन हो। अच्छा, सर्जरी में क्या किया जाता है? सर्जरी में अगर हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी के जो भी सिस्टम्स हैं उनमें से कोई भी ऑर्गेन खराब हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, तो उनके बाद हम क्या करेंगे, या सर्जरी में या तो उस ऑर्गेन को, अगर हमारी किडनी है वो फेल हो जाए, सबसे पहले या तो हम उसको रिमूव करेंगे, यानी कि जो किडनी फेल हो गई है उसको हम रिमूव करेंगे, या तो उस किडनी को हम रिप्लेस करेंगे, या तो उनकी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, यानी कि उनकी जगह पे कोई दूसरी किडनी हम फिट करेंगे। ओके, तो वो आते हैं हमारे सर्जरी में, और सर्जरी सिर्फ कोई सर्जन कर सकता है। ओके, फिजिशियन और सर्जन में यही डिफरेंट है। ओके, उनके बाद हमारे पास है एग्रीकल्चर, ये भी एक बायोलॉजी का करियर है, प्रोफेशन है। अच्छा, एग्रीकल्चर में हम ऐसे फूड क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारी फूड के लिए लाजम हो। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ डिफरेंट क्रॉप्स हैं, जैसे हमारे पास वीट है, या हमारे पास कॉटन है, या और दूसरी जो भी फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, और या हम ऐसे जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, जैसे कि मुर्गी का कोई फार्म होता है, ऐसे फार्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो हम करेंगे एग्रीकल्चर में। ओके, एग्रीकल्चर यानी कि ज़राइत, जिसके हमारा पाकिस्तान भी एक बहुत ज़्यादा ज़राइत वाला मुल्क है। ओके, उसके बाद हम स्टडी करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, ये भी एक एग्रीकल्चर की है, ब्रांच है। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री में हम ऐसे एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो एनिमल्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे कि हमारे पास जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे में हमारे पास जो बफेलो है, काऊ है, गोट्स वगैरह, ये जो हमारे पास डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जो एनिमल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उनकी निगरानी करेंगे, वो हम एनिमल हस्बेंड्री में स्टडी करेंगे उनके बारे में। ओके, उनके बाद हम स्टडी करेंगे हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी में हॉर्टिकल्चर में हम ऐसे प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, या ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, और फ्रूट्स में हम हमारे जो फूड के लिए लाजम है या हैं। ओके, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और दूसरा हमारे पास है फार्मिंग भी हमारा एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है। ओके, फार्मिंग में ऐसे पोल्ट्री फार्म्स या ऐसे फार्म्स के बारे में स्टडी करेंगे जो जिससे हमें फ़ायदा हो। ओके, जैसे कि हम बात करेंगे हैंड्स फार्म की, जो हमारे पास मुर्गी वाले जो पोल्ट्री फार्म से उनकी बात करेंगे। अच्छा, पोल्ट्री फार्म से एक तो हम उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं, ऐसे हमारे पास मुर्गी वगैरह आते हैं जिनका हमें गोश्त भी मिलता है और जिनसे हमें एग भी मिलते हैं। ओके, वो आते हैं हमारे पास फार्मिंग में। और दूसरा हमारे पास है फिशरीज यानी कि माहीगिरी का मतलब, फिशरीज में हम ऐसी मछलियाँ, ऐसी फिशेज के बारे में स्टडी करेंगे जिनकी क्वान्टिटी हो और क्वालिटी, यानी ऐसी मछलियाँ
जो क्वालिटी में भी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, और जिनकी क्वांटिटी यानी जो मिकदार में भी बहुत ज़्यादा हो, उन ऐसी फिशरीज के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोफेशन है। और दूसरा हमारे पास है फॉरेस्ट्रीज। अच्छा, फॉरेस्ट्रीज में हम बात करेंगे जो भी जंगलात हैं। फॉरेस्ट्री एक हैबिटेंट है जहाँ पे हमारे एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स के रहने की जगह है जहाँ पे उनको बना दिया जाता है। सो हमें फॉरेस्ट के बारे में भी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि उनसे हमें फर्नीचर भी मिलता है। ओके, सो ये सारे के सारे जो थे वो थे कैरियर्स इन द बायोलॉजी। और कल हम पढ़ेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द बायोलॉजी फील्ड। ओके।